प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कर्मचारी संगठनों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के मार्फत से बैठक हुई है। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री का जो संकेत था कि कर्मचारियों के और भी भत्ते में कटौती की जा सकती है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने अपना विरोध इस पर दर्ज कराया है कि मीटिंग करने से पहले LTC बंद करना, DLNS अलाउंस बंद कर देना और GPF में से पैसे निकालना बंद कर देना और उसके बाद मीटिंग करना, ये कोई उचित कदम सरकार का नहीं है। दूसरा, हमने ये कहा है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कहाँ से रिसोर्सेज पैदा करें क्योंकि रेवेन्यू सारा रुक गया है, तो हमने कहा कि आज ही 2-3 सुझाव हमने दिए हैं कि आज ही 68,607 करोड़ रुपए RBI ने 50 पूंजीपतियों के लोन माफ कर दिए। पिछले 5 साल में 7.76 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ कर दिए और केंद्र सरकार का जो GST है उसका जो शेयर्स राज्य को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो सरकार केंद्र सरकार पर दबाव डाले, इस शेयर को ले और जो बड़े पूंजीपति हैं ऊपर के 10% लोग 77% धन दौलत के मालिक हैं, मामूली सा टैक्स बढ़ा दें तो सारे संसाधन जुटाए जा सकते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि हम अपील ही कर सकते हैं, किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो हमने कहा हमारे साथ ज़बरदस्ती कर दी, बगैर पूछे ही LTC बंद कर दी, GPF बंद कर दिया, DA बंद कर दिया और आगे और संकेत दे रहे हैं कि और भी मतलब कुछ कटौती की जा सकती है। तो निश्चित तौर से हमने अपना विरोध प्रकट किया है और इसके साथ साथ दर्जनों महकमे हैं जिसको तनख्वाही नहीं मिल रही, नौकरी से निकाल दिया। हम प्राइवेट कारखाना मालिकों से तो कह रहे हैं कि किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे, लेकिन यहाँ मीरपुर यूनिवर्सिटी रेवाड़ी, नगर निगम सोनीपत, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ शिक्षा विभाग से 202 वोकेशनल टीचर बिजली के हैं नगर निगम से, ये कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। इस पर कोई भी जवाब सरकार ने नहीं दिया। हमारे PTI हैं जो सुप्रीम कोर्ट से केस हारे हैं, तो उसकी सुरक्षा की बात हमने की है, तो उन्होंने केवल यही कहा कि किसी की नौकरी हम नहीं जाने देंगे। इसी प्रकार से ITI के हमारे अनुदेशक हैं, उनकी बातचीत भी हमने इसमें की है। तो ये जो इशू हमारे हैं इस पर हमने सारी बातचीत की है। NPS का मुद्दा हमने उठाया कि आप रिसोर्स जनरेट कहाँ से होंगे, करें ना NPS को ख़त्म करके पुरानी पेंशन बहाल कर दो, NPS के फंड में जो पुराने पैसे हैं वो सारे ट्रांसफ़र कर लो, करोड़ों रुपये का सरकार को बेनिफिट उसमें हो जाएगा। दूसरा, जो ठेकेदार हैं उसको बीच में से हटाओ, GST सर्विस चार्जेस आदि आदि जो उसको ठेकेदार को देते हैं वो पैसा भी सरकार के खजाने में आ जाएगा। तो उन्होंने निश्चित तौर से 2-3 बातें कही हैं कि एक तो ये NPS पर जो सुझाव सरकुमजय सिंह ने दिया है इसको डिटेल एक ड्राफ्ट बना करके हमें दें, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो बीच में से ठेकेदार को हटाने का सवाल है उस पर भी हम विचार करेंगे, और संकेत दे रहे कन्वेंस अलाउंस जो कर्मचारी घर में ही काम करते हैं उनका कन्वेंस अलाउंस क्यों ना बंद कर दिया जाए। तो हमने कहा कितने कर्मचारी जो घर में से काम करते हैं, टोटल कर्मचारी रोड पर आ रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे, टीचरों की बात उठाई, पंचायत सेक्रेटरी की बात उठाई, तमाम एसेंशियल सर्विसेज के साथियों की बात उठाई, आशा वर्कर 4,000 रुपये उनको फिक्स मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते थे वो बंद हो गए और इसके बाद में अब 4,000 रुपये में कैसे गुजारा करें। तो हमने कहा कम से कम इनको 8,000 रुपये की जरूरत। एक सवाल और उठाया हमने कि अगर ये कर्मचारी संगठनों की मीटिंग है तो एक ही पर्टिकुलर BMS इस मीटिंग में क्यों है, दूसरे संगठनों को मजदूर संगठनों को बुलाना चाहिए। तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि जल्दी हम दोबारा से ट्रेड यूनियनों से बातचीत करेंगे और उनके साथ भी बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार इस पर एक सहमति बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे कि वेतन कटौती और अलाउंसेस काट दो, इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार निश्चित तौर से हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रही है, इसके बावजूद हम जनता के प्रति जवाबदेही है और कोई भी काम हम इस प्रकार से नहीं रोकेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग हमारी है वो निरंतरता साथ आगे बढ़ेगी।